नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की वापसी होते सबसे ज्यादा चर्चा तेज है कि किनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव दूसरी बार आए हैं और ऐसे में उन नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है जो नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे तेजस्वी के खिलाफ। बात की जाए तो बिहार में सरकारें बदलती हैं तो पुरानी सरकार के जो लोग होते हैं उनके आसपास के लोग या यूं कहें तो उनके जो सलाहकार होते हैं उन पर गाज गिरना तय माना जाता है और उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में सरकार बदली है तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद सहित कई ऐसे लोग हैं जिनको नोटिस जारी कर दिया गया है आवास खाली कराने को लेकर। और आपको बता दें कि नगर विकास मंत्रालय के तहत ये फैसला लिया जाना है और बिहार सरकार के कई जो मंत्री हैं और पूर्व मंत्री हैं उनको लेकर पहले भी फैसले आ चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि कई लोग की जो सदस्यता है वो खत्म हो गई है, चाहे विधानसभा की बात करें, बिहार विधान परिषद की बात करें, उनकी कुर्सी और उनके जो आवास है वो यथास्थिति बने हुए हैं। लेकिन भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई कहीं ना कहीं विरोध की भावना से और कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि विपक्षी दल होने की वजह से उन्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब संजय जायसवाल ने इस पर बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत में एक नया बखेरा खड़ा कर दिया है और कहा है कि लालू नीतीश की गठजोड़ के बाद भाजपा के लोगों को हर बार परेशान किया गया है और एक बार फिर से परेशान किया जा रहा है। संजय जायसवाल के बयान को सुनवाते हैं। समय बता देगा, 8 तारीख तक का इंतजार कीजिए। यह बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नीतीश जी जब सीधे जीत नहीं सके हैं तो वह एक उन्होंने 2-4 अपने एजेंट बहाल करके रखे हैं जो इसी काम में लगा रहता है कि कैसे भाजपा का वोट कटे। जनता काफ़ी समझदार हो चुकी है और जनता इस तरह के जो लोग हैं जो कि वोट काटने के लिए जिनको एजेंट के रूप में बनाया गया। मेरा तो नीतीश कुमार से प्रश्न है कि आप दोनों उप मुख्यमंत्री का आवास खाली कराने को कहते हैं, आप नेता प्रतिपक्ष का आवास जबरदस्ती खाली कराने का नोटिस देते हैं, लेकिन किस नाते एक व्यक्ति जो 6 महीने पूर्व खत्म जिसका हो चुका है विधान परिषद का, उसको आपने क्यों आवास दिया हुआ? तो यह सब एक कुछ नीतीश जी की शुरू से आदत रहती है कि कुछ वो डमी रखते हैं जो डमियों का उपयोग करते हैं। वह डमी का उपयोग राजद के खिलाफ भी करते हैं, भाजपा के खिलाफ भी करते हैं। इस तरह के डमी लोगों की चिंता में एक सवाल है कि साल भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर वोट मांगती है। 2020 में भी हमने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगा और इसलिए हम 74 जीते। जिन्होंने नीतीश जी के नाम पर वोट मांगा वह 43 जीते और आज भी हम नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर वोट मांगते हैं। समीकरण बैठाना 6 बजे शाम को जो लोग महफिल सजाते हैं उनका काम है कि इसको काटो, इसको जोड़ो, इसको बांटो। भारतीय जनता पार्टी सभी का सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास पर ही आधारित कार्य करती है। सर एक आखिरी सवाल, ये सर किनको किनको नोटिस मिला है सर बंगला खाली करने के? दोनों उप मुख्यमंत्रियों को नोटिस मिला है, नेता प्रतिपक्ष को नोटिस मिला है। बंगला खाली नहीं करने पर उनको उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन नीतीश जी के जो गुर्गे हैं जिनको उन्होंने रख के छोड़ा हुआ है उनको नोटिस, उनसे बंगला नहीं खाली कराया जाता है। भले वह विधायक रहे नहीं रहे, विधान पार्षद रहे नहीं रहे, उनको बंगला इसीलिए दिया गया है कि वह नीतीश कुमार के नौकरी बजाएं और नीतीश कुमार का काम करें। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386